वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीख रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 9 मैथ्स का, जिसमें हम आज मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका ऑर्डर, रोज कॉलम और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, और साथ ही हम एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स यहाँ पे हमने नोटेशन आपके लिए ऑलरेडी लिख दी है, ताकि आपको लिखने में समझने में टाइम की बचत हो। मैट्रिक्स भी नंबर्स का मजमुआ है, सेट है, और उन नंबर्स को कुछ रोज और कॉलम में अरेंज किया जाता है, तरतीब सी जाती है, और उनको जब हम ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, वो एक मैट्रिक्स की शक्ल बन जाती है। यहाँ पे दो एग्जांपल भी दी है, मैट्रिक्स ए, सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं, सेट ऑफ नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स विदन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर ए इक्वल 1, 2, 4, 3, 1, 5 एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 इंट्रीज है। इसी मैट्रिक्स में जो नंबर मौजूद होते हैं उनको हम इंट्रीज या एलिमेंट बोलते हैं, इंट्रीज या एलिमेंट। और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें 1, 10, 11 और 13 है। याद रखें मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स काउंट किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो इसके बाद आएगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स किस तरह बना होता है, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज इन कॉल्ड इट्स ऑर्डर। ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए या ऑर्डर को देखने के लिए उसकी रोज की तादाद, नंबर का मतलब होता है तादाद, रोज की तादाद और कॉलम की तादाद को देखा जाता है, जिसका जनरल फार्मूला है कि एम बाई एन। एम रोज को शो करता है और एन कॉलम को शो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है जिसमें एंट्री है 1, 2, 3 और 1, इसमें एक रो है और दूसरी एक रो ये है और दूसरी रो 3, 1 वाली है। तो इस समय इसमें दो रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। तो अब हम रोज को भी पढ़ लेते हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, फिर आपको ऑर्डर समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो पहले आप रोज को समझ लें, फिर दोबारा यहाँ पे ऑर्डर को देख सकते हैं आप। रोज क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल इस तरह यूं सामने ऐसे सीधे आपके सामने यूं, इस तरह जैसे लाइन होती है यूं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं रोज। यहाँ पे 1, 2 ये यू पे जो तरतीब में नंबर लिखे हुए हैं ये रो 1 है, 1, 3 ये रो 2 है। तो कॉलम क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल वे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जो नंबर होते हैं, जो नंबर की अरेंजमेंट होती है उनको हम कॉलम कहते हैं। भी इन मैट्रिक्स लाइन 3 प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसमें 1, 1 फर्स्ट कॉलम है, 2, 5 सेकेंड कॉलम। अब अगर आप दोबारा ऑर्डर की तरफ जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन कैसे लिखा जाता है। एम बाई एन, एम मीन नंबर ऑफ रोज, यानी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद, रोज कितनी है, और एम मीन नंबर ऑफ कॉलम, उस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी है। अब यहाँ पे 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2 होगा। यहाँ तक
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास होता है कि इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल है, जिसे आप उर्दू में जमा कहते हैं, यानी एक से ज्यादा मैट्रिक्स को लिखने के लिए मैट्रिसेस वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ये कब इक्वल होंगे? इक्वल होने के लिए जरूरी है लेट अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेट, ए कैपिटल लिखना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जो नेम होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में अगर इंट्री आ जाए तो फिर वहां पे आप इंट्री के अंदर स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है शरायत है, क्या शरायत है भी? इसके लिए दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है और दूसरी शर्त क्या है? पहली ये है कि जो दो मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जी, यहां पे लिख देते हैं ए इक्वल वन फाइव माइनस वन टू, बी इक्वल वन फाइव माइनस वन टू। तो पहली कंडीशन अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप वहां पे देखें ए मैट्रिक्स को और बी को, ऑर्डर में हम देखते हैं रोज और कॉलम की तादाद को, तो ए में भी दो रोज और दो कॉलम हैं, इसी तरह मैट्रिक्स बी में भी टू रोज और टू कॉलम हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो जाती है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन दूसरी कंडीशन का भी मुकम्मल होना जरूरी है। जब तक दूसरी कंडीशन मुकम्मल नहीं होगी तब तक ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दूसरी कंडीशन है देयर करस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल आर सेम, करस्पोंडिंग एंट्रीज, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करस्पोंडिंग क्या होती है। करस्पोंडिंग एंट्री का मतलब है जो मैट्रिक्स ए है इसमें जो फर्स्ट एंट्री है पहले नंबर वाली एंट्री है, दूसरे मैट्रिक में भी पहले नंबर वाली एंट्री के बराबर होनी चाहिए। और तो यहाँ पे आखिर में टू लिखा हुआ है, यहाँ भी टू लिखा हुआ है, पहली एंट्री पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, तीसरी एंट्री तीसरी के बराबर और लास्ट एंट्री लास्ट के बराबर। वन इज इक्वल टू वन, फाइव इज इक्वल टू फाइव, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू इज इक्वल टू टू। तो ये चारों एंट्री हमारी ए और बी मैट्रिक्स की इक्वल है, मीन करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। जब ये दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट होगी तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी।